यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। कैन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कट ईच अदर? तो इसके मल्टीपल वे में आंसर हो सकते हैं ना। इस क्वेश्चन को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करा, मैं सारे केसेस स्टडी कर देता ना। देखो पहले तो है ना, पहले तो देखो अब इसमें कितने तरीके के से, मान लो जैसे ये दो स्फीयर है, इसका पोटेंशियल V1 मान लो, इसका V2 मान लो। तो एक रीजन तो ये कि भाई ये कट नहीं कर सकते, मैं मतलब बहुत सारे तरह के क्वेश्चन, इसमें तीन अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन तो ये पूछना चाह रहे हैं भाई दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, इसका पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है, तो क्या कट कर सकते हैं? तो आंसर है नो, है ना। पहले वाले केस का आंसर है, अपन तीन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाले का आंसर हो गया नो, क्यों? क्योंकि फिर इनका जो इंटरसेक्शन है, दो स्फीयर का इंटरसेक्शन एक सर्कल होता है ना। भाई कहां चला गया ये, इधर चला गया। दो स्फीयर का इंटरसेक्शन क्या होता है? एक सर्कल होता है। तो अगर तुम कहो कि भाई 10 वोल्ट और 5 वोल्ट वाले इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सर्कल पे फिर क्या पोटेंशियल होगा? 10 वोल्ट हो गया 5 वोल्ट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो भाई गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, अगर ये मान रहे हो। चलो अब दूसरा केस बन सकता है कि भाई मैं दोनों का पोटेंशियल वी वी मान लूं, अगर दूसरा केस बन गया। अब अगला क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई दूसरे का पोटेंशियल वी वी मान लें, अगर दोनों का सेम मान लें, है ना। तो उसमें अब यहाँ पे दो कि तो भाई फिर क्या हो सकता है? तो उसमें एक तरीका तो यार फिर तुम इसे एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हो, इन्हें दो अलग अलग क्यों बोलते हो? लेट्स कॉल देम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहां पर भी तगड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी इस वाले केस में तो नहीं हो सकता। अगर तुम दोनों के वीवी मान रहे हो तो दो तरह के सरफेस बना सकते हो। एक सरफेस तुम ऐसा बना सकते हो, देखो है ना, मैं बताता हूं, और दोनों में फर्क समझो ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। जैसे एक सरफेस तुम ऐसा बना दो, तो देखो ये तो फिर भी हो सकता है ना, इसको तुम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल लोगे, है ना, फिर उसमें क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कट ईच अदर, ये क्वेश्चन ही खत्म, क्योंकि इसको अपन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे उस केस में। पर ये वाले केस में अभी भी नहीं हो सकता। अगर दोनों का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तब भी नहीं हो सकता। तुम कहोगे सर क्यों नहीं हो सकता? भाई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुमने पढ़ा है ना, जबकि ये अब उस वाले पॉइंट को वायलेट नहीं कर रहा, इसमें जो इंटरसेक्शन का जो सर्कल है उसमें भी हर जगह 10 वोल्ट है, उस चीज को वायलेट नहीं कर रहा, पर एक दूसरी चीज को वायलेट कर रहा है ये ना, जो जिसको उन पर लोग ध्यान नहीं देते ना। कि देखो अपन ने एक चीज और पढ़ी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, जो इंटरसेक्शन वाली जगह, इस पॉइंट पे देखूं, तो इस सरफेस, ये वाला सरफेस ऐसा जा रहा है, तो ये सरफेस कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटा तुम ये रहो, है ना, और ये सरफेस कहेगा, ये वाला सरफेस ऐसा जा रहा है तुम्हारा, ये सरफेस कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम ऐसे जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पे दो नहीं हो सकती ना, अपने पढ़ा तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पे दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती ना। तो असलियत में अगर मान लो दो चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, तो उनका वेक्टर एडिशन हो जाता है, और वेक्टर एडिशन हो जाएगा तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हारा ऐसा आएगा। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, है ना, या तो वो सेम बन जाएंगे इस तरह से, अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पाए तो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलोगे, अलग अलग है तो नहीं करेंगे, तो यहां पर भी वायलेशन आ गया। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो लोग इसमें इतने ही सोच के रह जाते हैं कि अलग अलग है पोटेंशियल है इसलिए नहीं हो सकता, नहीं, सेम पोटेंशियल है तब भी नहीं हो सकता, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही, ऐसी बन रही तो हो सकता है, समझे, है ना। तो बिल्कुल है डीप कॉन्सेप्ट, डीप लेवल के कॉन्सेप्ट्स।